नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमावस्या के कोई ना कोई फायदे होते हैं और अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए आप दान दक्षिणा देते हैं, उनके लिए हवन करवाते हैं ताकि उनकी जो आत्मा को मोक्ष मिले और मोक्ष मिलने के बाद आपके घर में और जीवन में खुशियाँ आए। लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन पौधे भी लगाते हैं तो उसके भी अलग बेनिफिट होते हैं। तो आज जानते हैं कि आपको घर में पौधे लगाने से घर में मिलने वाली सुख शांति कैसे मिलेगी और कौन से पौधे लगाने से आपके घर में सुख आएगा। नंबर एक, लक्ष्मी हर किसी को चाहिए और यदि आप अपने घर में लक्ष्मी माता को अपने घर में ही विराजमान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी माता कभी भी आपके घर को छोड़ कर ना जाए तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा, बेल का पौधा और बेलपत्र का पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। और ये खास ख्याल रखें कि ये पौधा लगाएं तो अमावस्या के दिन ही लगाएं क्योंकि यह अलग ही फायदे देते हैं और उसके साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं। कभी भी लक्ष्मी माता को ना खुश ना करें, हमेशा उनके पौधों की आप रक्षा जरूर करें क्योंकि अमावस्या पर लगाए जाने वाले पौधे हमेशा आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी जो आम पौधे आप घर में लगाते हैं। तो आप चाहते हैं लक्ष्मी माता को अपने घर में लाना तो इन पौधों को ज़रूर लगाएँ। पर दो, सौभाग्य हर किसी को चाहिए। वह हर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ करूं और कुछ ना कुछ करने के लिए उसे सौभाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि अपने घर में सौभाग्य लाना, अर्जुन और नारियल के पेड़ जरूर लगाएं क्योंकि अर्जुन और नारियल के पौध वैसे तो होते बहुत ऊँचे ऊँचे हैं और बट वृक्ष भी लगा सकते हैं आप अपने घर के। अगर घर में नहीं लगा सकते तो उन्हें आप अपने घर के बिल्कुल सामने या फिर अपने दरवाजे के इधर उधर लगा सकते हैं या फिर आपका मकान इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके सामने अर्जुन का पेड़ या फिर नारियल का पेड़ या फिर वट वृक्ष जरूर हो जो छाया देते हों क्योंकि आपके जीवन में जो छाया मिलेगी पेड़ों से वह आपके सौभाग्य को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपने सौभाग्य बढ़ाना तो इन पेड़ पौधों को ज़रूर लगाएं। नंबर तीन, यदि आप के घर में बच्चों की कमी है या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं क्योंकि पेड़ पौधे भी आपके घर में बच्चों की तरह ही होते हैं। जितने ज़्यादा हरे आएंगे यानी कि हरे होंगे उतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। उस पर निकलने वाले फूल और फल आपको कुछ अच्छे ही फल देते हैं। यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही है तो आप इन पेड़ पौधों को ज़रूर लगाएं। पीपल, नीम, गुड़हल और अश्वगंधा, इन पौधों को आप अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो इन पौधों को आपको केयर करनी होगी। जैसे जैसे आपके पेड़ पौधे हरे होंगे और उन पर आने वाले फूल और फल आपको खुशियां देंगे, क्या पता आपके जीवन में भी कोई छोटी सी खुशी जल्दी ही आ जाए। तो यदि आप चाहते हैं संतान प्राप्ति तो इन पौधों को जरूर अपने घर में लगाएं। नंबर तीन, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं सुख की प्राप्ति तो उसके लिए आप नीम और कदम का पेड़ जरूर लगाएं क्योंकि नीम जितनी छाया देता है, क्योंकि कभी भी आपको थकान होती है या थकान महसूस होने के बाद हमेशा हर व्यक्ति देखता है कि कहीं आसपास पेड़ मिल जाए क्योंकि हमेशा देखा है कि हम कहीं गए हैं और कहीं जाने पर हमें कहीं भी बैठने की जगह तक नहीं मिलती जहाँ थोड़ी सी भी छाया मिल जाए। यदि पेड़ पौधे लगे हुए हों और घना पेड़ हो तो उसके नीचे बैठ कर आपको वह शांति मिलती है, वह सुख की अनुभूति होती है जो आपको जीवन में चाहिए। तो आप भी चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और सुख की अनुभूति चाहते हैं, सुख में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप नीम और कदम का वृक्ष जरूर लगाएं। नंबर पाँच, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति तो आनंद प्राप्ति के लिए आप घर में आपका पेड़ हरसिंगा, रातरानी और मोगरा का पौधा लगा सकते हैं। यह पौधे आपके जीवन में जैसे लाल कलर का गुलाब आपके जीवन में प्यार लेकर आता है। रात की रानी आपकी रात को चमकीला और आपकी रात की किस्मत को बदल सकती है यानी अवसर को बदल सकती है। और हरसिंगा वह पौधा है जो आपके सिंहासन को बढ़ाएगा यानी कि आपके नौकरी में उन्नति देगा। मोगरा आपके जीवन में वह महक भरेगा जिससे आपके जीवन में मिठास भर जाएगी। तो ये चार पौधे आपके जीवन को आनंद देंगे, आनंद की प्राप्ति कराएंगे जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। दोगुनी क्या, चार गुनी हो जाएंगी। तो आप चाहते हैं ये चीज़ें प्राप्त करना तो इन पेड़ पौधों को आप अपने घर अमावस्या के दिन ज़रूर लगाएं क्योंकि अमावस्या के दिन लगाए जाने वाले ये पेड़ पौधे आपको अचूक फल देंगे जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और संतान की भी प्राप्ति होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।